इसी श्रृंखला में सबसे पहले हम सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। आज हमारे समक्ष पुणे के पूर्ण विश्व भर के एक बहुत प्रतिष्ठित कलाकार सरोद वादक श्री राजन कुलकर्णी जी पधारे हुए हैं। ये बहुत अच्छे सरोद वादक हैं और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ दिलीप राव जी को, गिरिन तलेगांवकर जी, लोकेन तलेगांवकर जी। मेरे संगीत कला केंद्र संस्था के सभी लोगों को मैं इनवाइट करूँगी कि वो सम्मान समारोह के लिए आए। राजन जी को हम आज अपनी संस्था से सूर्यशरण के सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। मेरे पिता पंडित केशव तलेगांवकर जी एक ऐसे लोगों में से थे जो कलाकारों को ढूंढ लेते थे कि किस कौन कैसा है। एक ऐसा व्यक्तित्व ढूंढना जिसने अपना पूर्ण जीवन जुझारू तरीके से संगीत कला को समर्पित किया हो, ऐसे लोगों में से हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं पंडित राजन कुलकर्णी जी। मैं आज इनका सम्मान पत्र वाचन कर रही हूँ। कला और कलाकार दोनों कैसी चीज़ें जो जल्दी ना तो मिलती हैं और सही भी नहीं मिलती कई बार। गुरु अच्छा होना, हमारी मेहनत अच्छी होना, फिर हमें अच्छा कलाकार बन जाना, इन सब बातों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, तब एक कलाकार का जन्म होता है। तो एक ऐसी मेहनत को हम यहाँ पर प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं। मैं सम्मान पत्र का वाचन कर रही हूँ। पंडित रघुनाथ तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट एवं संगीत कला केंद्र पुणे के संयुक्त तत्वाधान में संगीत नक्षत्र पंडित केशव रघुनाथ तलेगांवकर जी के मानस सानिध्य में आयोजित सूर्य शरण संगीत समारोह 2023 द्वितीय वर्ष अभिनंदन पत्र। प्रतिष्ठा में सम्माननीय विद्वत संगीत मनीषी पंडित राजन कुलकर्णी सुविख्यात सरोद वादक की सेवा में सादर समर्पित आपके द्वारा की जा रही शाश्वत नाद की अनवरत सेवा, संरक्षण एवं समर्पण भाव को हम नमन करते हैं। पंडित केशव रघुनाथ तलेगांवकर जी अपने संपूर्ण जीवन काल में सदैव नाद ब्रह्म की शरण में पूर्ण निष्ठा एवं निस्वार्थ भाव से सेवारत रहे एवं संगीत जगत को अपनी रचना धर्मिता से मौलिक कृतित्व प्रदान किया। संगीत कला केंद्र पुणे एवं रघुनाथ तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित सूर्य शरण संगीत समारोह के द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आपको विशिष्ट सांगीतिक सेवा हेतु पंडित केशव तलेगांवकर जी के पुण्य स्मरण में स्थापित सूर्य शरण सम्मान के मानद सम्मान से विभूषित कर आपके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना करते हुए अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। प्रार्थना करूंगी कि आप सर्टिफिकेट हमारे बच्चों को दें। तो मैं अनहत को सबसे पहले आमंत्रित करूं, सबसे छोटे हैं सिर्फ इसलिए, और कोई बात नहीं। सना, श्रिया चैटर्जी, श्रिया सोहम बसु, और मेरे स्टूडेंट आए नीलम और रूपाली। मैं कुलकर्णी जी से निवेदन करूंगी कि आप उनको सर्टिफिकेट दें।
रूपाली, रूपाली अरविकर। इस वर्ष हमारी संस्था के अंदर एक बहुत बड़ा कहना चाहिए एडिशन हुआ है। हमारी जो पुस्तक हैं जो हमारे पूज्य दादाजी ने लिखी हैं, जो संगीत के लिए हैं, जो बिल्कुल शुरुआती दौर से लेके एमए लेवल तक की हैं, उनको आईआईटी मुंबई ने अपने लिए मंगवाया है और वो चाहते हैं कि आईआईटी मुंबई में उनकी किताबों को रखा जाए। और इस चीज़ के लिए मेरी दो बहुत अच्छी दोस्त स्वागता बसु और नीलम भाटकरनी जी ने बहुत बहुत मेहनत करी, उनको मैं यहाँ पर सम्मानित करना चाहूँगी। स्वागता और नीलम दोनों आए, अगर आप दोनों नहीं होती तो शायद मेरी दादा की किताबें आईआईटी में तो नहीं होती क्योंकि अच्छी बात है और बड़ी बात है सोचने की कि आईआईटी एक ऐसी संस्था है जो बहुत टेक्निकल चीज़ों को अपने लिए एब्जॉर्व करती है, उसके लिए ऐसी चीज़ों को समझना और मानना बड़ी बात है। तो जब उन्होंने इन चीज़ों को देखा, मैं राजन कुलकर्णी जी से निवेदन करूंगी कि वो हमारे संस्था के लिए आशीर्वचन में दो शब्द बोले, इसके बाद आनंद जोशी जी। नमस्कार सर्वांना, आणि आत्ता जे मुलं गायली लहान लहान आणि सगळे सीनियर बिगनर लर्नर्स, खूप खूप आशीर्वाद त्यांना आणि खूप सुरेल गायली ती लोकं, तर त्याच्याकरता मी त्यांच्या गुरूंचं खूप खूप अभिनंदन करते की शिकवणं आणि शिकवल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडनं घडवणं हे खूप कठीण काम आहे आणि ते घडवण्याची यांच्यामध्ये खूप छान कला आहे का की यांच्या घराण्यामध्येच आलेलं आहे। सो मी तळेगावकर फॅमिलीशी खूप लहानपणापासून, म्हणजे मी इतका असेन काकी आजोबा म्हणजे पंडित रघुनाथराव तळेगावकर अमृतसरला खूपदा युनिव्हर्सिटीच्या परीक्षांकरता यायचे आणि तेव्हा आमच्याचकडे उतरायचे आणि त्यावेळापासून माझ्या वडिलांचं आणि त्यांचं खूप जवळचं स्नेह आणि दरवर्षी ऑलमोस्ट एक दोन वर्षानंतर आमची भेट व्हायचीच आणि 86-87 आमचा खूप छान कंटिन्यूड होतो भेटणं सगळ्या परिवारशी, सगळे बंधूंशी, ताईंशी, सगळ्यांशी भेटणं होतं आणि दोन वेळा मी यांच्या आग्र्याच्या संगीत समारोहामध्ये पण वाजवलेले आहे। मला त्यांनी आवर्जून प्रेमाशीर्वाद दिलं तेव्हा आणि खूप छान तो कार्यक्रम झालेला आहे आणि त्याच्यानंतर 2 वर्ष की 3 वर्ष झाली पुण्यात दादा आले होते तेव्हा माझं त्यांनी आवर्जून मला फोन केलं आणि मला बोलून घेतलं आणि आम्ही डेक्कनच्या भागात का की त्यांना पण वेळ नव्हतं आणि त्यांना लगेच निघायचं होतं तर माझी ती त्यांच्याशी एक शेवटची भेट होती। खूप गुणी संगीतज्ञ, खूप संगीताला प्रेम करणारा, खूप संगीताची आस्था जपणारी व्यक्तिमत्व ते दादा होते आणि मी हेच शुभाशीर्वाद बेस्ट विशेस ह्या संस्थेला की या भागात या मी आज पहिल्यांदा मी पुण्यात 30 वर्ष राहतो आहे पण मी ह्या भागात मी पहिल्यांदा आज आलो आहे ते इतकं डेव्हलप झालेलं आहे हा भाग तर इथे एक खूप छान संगीत संस्थेची जी गरज आहे ती आत्ता मला वाटते की ती पूर्ण होईल। धन्यवाद। आनंद जोशी जी को मैं बुलाऊंगी मंच पे, हम उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। मेरी माँ जो कि संगीत कला केंद्र की प्रबंध न्यासी हैं, उनको मैं निवेदन करूंगी कि वो उनका स्वागत करें और मैं अपनी बुआ को भी बोलूंगी
डॉक्टर श्रीमती मंगला मटकर जी भी आए, आनंद भीमसेन जोशी जी का सम्मान हमारे लिए बहुत। पंडित जी से भी निवेदन है कि आप हमारी संस्था के लिए दो शब्द बोले। सर्व रसिक प्रेक्षकांना माझा नमस्कार। तळेगावकर जी यांच्यामध्ये केशवरावजी तळेगावकर यांच्याशी माझा संपर्क आला 5 ते 6 वर्षापूर्वी। माझ्या मते त्यांनी मला आग्र्याला गाणं करण्यासाठी बोलवलं होतं आणि त्यानंतर मला त्यांची कन्या इथं सूसमध्ये आली आहे हे कळलं आणि त्यानंतर आमच्या भेटीगाठी इव्हन ह्या सोसायटीत काही कामानिमित्त मी आलो होतो। ह्या भागामध्ये ह्या तऱ्हेचं गाणं प्रस्तुत होणं ही माझ्या मते पहिलीच वेळ असेल, कारण आग्र्यामध्ये ह्यांचे आजोबा गेले, तिथं आपलं शास्त्रीय संगीत त्यांनी लोकांच्या समोर मांडलं आणि संस्था उभी केली, हे एक फार मोठं कार्य त्यांनी केलं। केशवरावजी तळेगावकर यांनी पण फार मोठं काम तिथं केलेलं आहे, त्यांचे काका पण आज आहेत आणि आज त्या स्वरूपाने संपूर्ण कुटुंब गाण्याला वाहून घेतलेलं आहे आणि इथं एक चांगल्या तऱ्हेचा कार्यक्रम होतोय पाहून मला खूप आनंद वाटला। माझ्याकडून सर्वांना शुभेच्छा आणि सर्व बाल कलाकारांचं, मोठ्या कलाकारांचं आणि सर्वांचं मनपूर्वक अभिनंदन। थँक्यू सर, खूप खूप धन्यवाद तुम्हाला। तुम्हाला इतका छान वाटलं इकडे येऊन। इसी के चलते मैं अपनी माँ श्रीमती प्रतिभा केशव जी, जो कि प्रबंध न्यासी हैं, इनको दो शब्द कहने के बुलाऊंगी संस्था के लिए, संगीत कला केंद्र पुणे और रघुनाथ तळेगावकर फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से। श्रीमती प्रतिभा केशव नमस्कार। माझी मराठी जास्ती चांगली नाही म्हणून मी हिंदीमध्ये बोलणार। सगळ्यात सबसे पहले तो रघुनाथ तळेगावकर फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से, तळेगावकर परिवार की ओर से आमंत्रित सभी अतिथि श्रोताओं का, कलाकारों का, हमारे मित्रों का और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनका स्वागत करती हूँ। संगीत कला केंद्र का इतिहास तो इतना लंबा है कि आपको यदि सुनाने बैठेंगे तो शायद एक सभा उसको चाहिए। तो आप लोग यहाँ से हमारी मैगज़ीन लीजिएगा जिसके बारे में, जिसमें आपको सब हमारे संगीत कला केंद्र के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, हमारे कार्यक्रमों के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। आज का जो कार्यक्रम जो है वो केशव जी के नाम के लिए उनकी बेटी ने शुरू किया और शायद ये कहते हैं ना कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रथा जाती है, तो जैसे केशव जी ने अपने पिताजी के कामों को आगे बढ़ाया, अब केशव जी के तो बेटा नहीं था तो उनकी बेटे ही बेटों के बराबर हैं, तो उनकी बेटियों ने ये काम अपने कंधों पर लिया और उसको आगे बढ़ाने की थोड़ी कोशिश की है। तो आप सबका सहयोग हमेशा ऐसा ही मिलता रहेगा तो हर साल यहाँ कार्यक्रम अच्छे से अच्छा होता चलेगा। हम लोग आगरा से इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए आते हैं क्योंकि मैं धर्म पत्नी हूँ, इस परिवार की बड़ी बहू हूँ, तो मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत सारी बढ़ जाती हैं। उस तरह से मुझे यहाँ पर उपस्थित होना सौभाग्य भी लगता है और एक सम्मानपूर्वक बात भी लगती है और मेरी ज़रूरत भी यहाँ पर होनी चाहिए। एक बात मैं आज सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ, जो बच्चे यहाँ सीखते हैं या सीखने जाते, कहीं भी सीखने जाते हैं, मैं भी सिखाती हूँ, मेरा पूरा परिवार संगीत में ही है और मेरे को लगभग 45 ईयर्स तळेगावकर परिवार के अंदर हो गए। 42 साल हम दोनों साथ रहे, उसके 3 साल पहले हम बड़े गुरुजी से सीखती थी मैं, तो रघुनाथ तळेगावकर जी मेरे ससुर भी हैं, उसके पहले मेरे गुरु थे। तो 45 ईयर्स का एक बहुत लंबा सफ़र हमने तय किया। इसका जो आज मेघा यहाँ पर कार्यक्रम कर रही है उसका कहना चाहिए जन्मदाता जो है वो आगरा में निनाद के नाम से जाना जाता है और उसको 58 ईयर्स हो गए हैं।
अभी इस साल हम 59 ईयर मनाएंगे। कोरोना काल में भी हमारा कार्यक्रम रुका नहीं, हमने ऑनलाइन इस कार्यक्रम को किया। उससे भी महत्वपूर्ण बात कि अक्टूबर में केशव जी इस दुनिया से विदा लिए थे, उसके बाद भी हमने अक्टूबर में भी प्रोग्राम किया और नवंबर में दिसंबर में नाद को किया, क्योंकि उनका एक ही फॉर्मूला था, शो मस्ट गो ऑन। मेरी ज़िंदगी में कई ऐसे उतार चढ़ाव आए कि हम कार्यक्रम करना है, उसके दो तीन दिन पहले कुछ ऐसी घटना घट गई कि हम कार्यक्रम करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन फिर भी केशव जी एक इतनी पॉजिटिविटी वाले इंसान थे कि उन्हें कहा नहीं कुछ भी हो, कार्यक्रम जब हाँ कहते हो तो कार्यक्रम तो होना है, चाहे वो हमें कार्यक्रम करने जाना हो या हमने कार्यक्रम कोई अरेंज किया हो। तो केशव जी का एक बड़ा मतलब उच्च कोटि का शौक था कि कार्यक्रम आयोजन होने चाहिए, संगीत के प्रोग्राम होने चाहिए, कि नन्हे मुन्ने साधक जो आते। और उसके बाद उसके उससे भी बड़ी बात, मेरे फादर इन लॉ जो थे उनकी एक ही वो रहती थी, एक ही उनका शर्त थी कि कार्यक्रम करो अपकमिंग आर्टिस्टों के लिए, जो ऑलरेडी नाम कमा चुके हैं दुनिया में, उनको हमारे मंचों की ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए ऐसे साधक जिनको अभी उनको मंच चाहिए, क्योंकि साधक जो भी सच्चा कलाकार वो अपने आप को कभी प्रमोट नहीं करता, वो नहीं कहता कि मेरा प्रोग्राम रखो आप, हमें ढूंढ के लाना पड़ता है उन कलाकारों को, क्योंकि कलाकार जाके अपने आप को एक्सपोज नहीं करता, हम लोग भी नहीं कह पाते, सबको पता है कि हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, किसको नहीं पता कि हम लोग भी कलाकार हैं। ये बड़ी विडंबना, केशव जी को लोग ज़्यादातर यही जानते थे कि ऑर्गेनाइज़र, निनाद के ऑर्गेनाइज़र हैं, कोई नहीं जानता था कि वो इतने बड़े सिंगर भी हैं, बहुत अच्छे गिटारिस्ट भी हैं और बहुत अच्छे तबला भी बजाते थे। तो ये एक विडंबना हो जाती है। तो आज मैं एक पेरेंट्स से भी ये बात कहना चाहती हूँ जो बहुत दिन पहले मेरे दिमाग में आई थी, कि जैसे जीवन को चलाने की दो पहियों की ज़रूरत होती है, आपको जैसे हस्बैंड वाइफ हुए या परिवार को दो पहियों पर गाड़ी चलती है हमारी, ऐसे हर इंसान की पर्सनैलिटी में दो पहिए होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी को बैलेंस करने के लिए दो पहिए होते हैं, कौन कौन से? एक विद्या, एक कला। यदि आप विद्या ही सीखते रहेंगे तो आपके दिमाग को रेस्ट कभी नहीं मिलेगा, और एक दिन ये भर जाएगा, फिर क्या होगा, या तो आप मेंटली रिटायर्ड हो जाएंगे, या आप दुनिया से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, या आप अपने को इतना ज़्यादा संजो लेंगे कि आपको किसी से बात करने की इच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि ज्ञान का भंडार बार बार होना और प्रेशर होना ये सही नहीं है। बहुत ज़्यादा ज्ञान होने के बाद देखिए आदमी कभी कभी अपने उसको खो देते हैं। तो उसको रिलीज करने के लिए क्या है? आर्ट, वो किसी फॉर्म में भी हो, गाने में हो, बजाने में हो, डांस में हो, चित्रकला में हो, उसमें क्या होता है क्रिएटिविटी, आप अपने माइंड के प्रेशर को रिलीज करते हो, है ना। आपने देखा होगा कि कोई भी सिंगर है कभी बहुत सॉफ्ट गाता है, कभी बहुत हार्श गाता है, क्यों? वो नेचर है उसका। आपके अंदर जो कल्पना बनती है वो आपको आप अपने आर्ट के माध्यम से दिखाते हैं। तो आर्ट क्या है? आपके मेंटल को रिलीज, मेंटल के जो स्ट्रेस को रिलीज करने का एक साधन है। एक से आप ज्ञान से आप अपने दिमाग को थकाते हो, और कला से उस दिमाग को आप आराम दिलवाते हो। तो हमेशा आप याद रखिए, कभी कोई कला जैसे जनरली हम लोग के सामने आता है, अरे बच्चे की पढ़ाई बहुत है, पढ़ाई का नुकसान नहीं करेंगे, एग्जामिनेशन है, अरे भाई बहुत माना कि बहुत पढ़ाई करना, लेकिन उस दिमाग को आराम करने के लिए आप क्या देते हो? कभी कभी बच्चे सोते में भी सोते नहीं हैं, उनके दिमाग में एग्जामिनेशन के प्रेशर है, माँ बाप के दिमाग में प्रेशर है, आप उसको रिलीज करिए, और उसका सिर्फ एक ही साधन है आर्ट। तो अपने बच्चों को पढ़ाई के संग आर्ट का भी थोड़ा सा आप उसमें डालिए, ताकि बच्चा आपका बैलेंस पर्सनैलिटी में तैयार हो। अब मैं चलती हूँ अगले कार्यक्रम की ओर। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पधारे और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और मैं आशा करती हूँ कि हर साल इसी तरह से और गैदरिंग बढ़ेगी, और हम बड़ी जगह प्रोग्राम करेंगे, और अच्छे अच्छे कलाकार हम इस मंच पर लाएंगे।